नहीं दोस्तों, तो कैसे आप लोग। उम्मीद दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट के 2022 यानी कि आज के जो पेपर हुआ उसके सेकेंड शिफ्ट में 21 ग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस ग्राफ के केवल 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। देखो करने में तो आसान है लेकिन समझना बड़ा मुश्किल था कि प्रश्न पूछता क्या है। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी क्लियर नहीं है तो यहाँ पे मैंने क्लियरली इसको यहाँ पे नोट कर रखा है। चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे कि तालिका का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, और आपका इस प्रकार से एक तालिका यानी कि टेबल दिया गया था। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि कंपनी टी द्वारा अप्रैल मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% हमारा क्या है बच्चों, 32% माइल स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल स्टील उत्पादों की कुल संख्या क्या थी। कहने का मतलब ये एक कंपनी दी है, कंपनी पी क्यू आर एस टी 5 कंपनियां हैं जो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कुछ प्रोडक्ट बेचती है। अब ये कहा कह रहा है कि टी जो है कंपनी टी है तो इसके मार्च अप्रैल और मई में जो भी हमारा सेल हुआ है, जो भी उत्पाद हमारा बेचा गया है, इस उत्पाद का 32% जो था वो माइल स्टील था। तो 32% इसका माइल स्टील था और हमसे यही पूछ रहा है कि स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल स्टोर की कुल संख्या कितनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इन मार्च अप्रैल और मई में हमारा टोटल कितना सेल हुआ हम इसको निकाल लेते हैं। तो आइए हम तीनों को जोड़ देते हैं और तीनों को हम जब सम करेंगे तो इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो 165 और 165 हमारा हो गया 16×32 330 हो गया, प्लस 120 यानी कि टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 450। ठीक है तो 450 हमारा क्या हुआ, टोटल सेल हुआ और इसका 32%। तो 450 का 32% कितना हो गया बच्चों, 450×32/100। अगर हम इनको 100 से करेंगे, अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 से 10 गया, और अगर हम 5 से करेंगे तो 5×9=45, 5×2=10 और 16×9=32 और 16×9=144 यानी कि 144 हमारा इसका टोटल कितना आंसर है। पहला आंसर सही होगा 144। दोस्तों क्वेश्चन करना आसान है लेकिन समझना बड़ा मुश्किल। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि फरवरी में कंपनी पी एस टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी अनुमानित। ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, कंपनी पी एस और टी द्वारा फरवरी में यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं इसकी, इस महीने में तीन कंपनियों के द्वारा, इस महीने में हम बात करेंगे 155 और 110 और 190, इनकी औसत कितना होगा। तो 155, 110 और 190 को जोड़ लेते हैं तो 110 प्लस 90 हमारा टोटल कितना हो जाएगा 200, 200 प्लस 155 हो जाएगा हमारा 355, 355 तीन कंपनियों में, इसका औसत निकाल लेंगे बच्चों, 3×1=3 और 3×1=3 25 आ गया, 3×8=24 पॉइंट। तो हमको अनुमानित निकालना है यानी कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर सी 118 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, पूछते हैं कि मार्च में कंपनी पी एंड आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उसी कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में अनुपात। ओके तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे मार्च में, यानी कि मार्च में कंपनी पी द्वारा और कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, तो इनको दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 295। ठीक है 295 आ गई, और अनुपात हमें निकालना है किससे, अप्रैल में उसी कंपनी यानी कि अप्रैल में उसी कंपनी का पी में 160 और आर में 240, इसका हमें औसत निकालना है। तो इनका कुल हमारा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। 160 प्लस 240 कितना हो जाएगा बच्चों, 400, यानी कि हमें 295 और 400 का अनुपात निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5×8=40 और 1 0 लास्ट में बच गया। इसमें हम बात करें तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5×5=25 बचेगा 4 और 45, 5×9=45 यानी कि 59:80, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी हमारे कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी एस के द्वारा जनवरी से, जनवरी में इसने 85 सेल किया था, ठीक है, और अप्रैल में इसने 140 सेल कर दिया, यानी कि कितना अधिक सेल किया इसने, अधिक हमें सेल किया था इसने, तो बच्चों इसने 55 क्या किया, इसने अधिक सेल कर दिया। ठीक है तो जनवरी से लेके
अप्रैल तक कितना बढ़ा, तो पहले 85 था हमारा, लेकिन इसने क्या किया 55 एक्स्ट्रा सेल किया, तो हम निकाल लेते हैं 85 में 55 का परसेंटेज कितना बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से करेंगे 5 11 जा 55 और 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चों, इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आंसर नंबर डी 64.41, इतना परसेंटेज की हमारी क्या हुई, हमारी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने कंपनी में आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर। अच्छा, तो कब कह रहा है भैया, कह रहा है कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर, तो कंपनी क्यू के द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर कितना बेचा गया, जनवरी में इन्होंने 80 बेचा और मई में 120 बेच दिया, यानी कि टोटल इन्होंने 200 का बेचा, ठीक है 200 इनकी सेल हुई। कह रहा है कि उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में आर द्वारा, तो समान महीने में 155 और 130 इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 285। अब इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, घटा देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 285 माइनस 200 हमारा कितना आंसर आएगा 85, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इस तालिका के अनुसार। अब इस तालिका में बच्चों प्रश्न तो करने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन प्रश्न को समझना बड़ा टास्क है और समय इतना कम रहता है कि एक मिनट में इस प्रश्न को समझ के करना काफ़ी कॉम्पिटेटिव है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, बाद में करना तो आसान होता है लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के करना, वहाँ जहाँ पे कोई कैलकुलेटर ना हो और बिल्कुल ऑन द स्पॉट एक एक चीज़ को ध्यान में रखें, ये बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों ये थे ओवरऑल क्वेश्चंस। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो आप बता सकते हैं कि आपने क्या सही आंसर्स लगाए हैं और कैसा रहा आपका ये पेपर, आप अपना अनुभव एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे भी कुछ प्रश्न और हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप अपनी जानकारी हमें कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद जय भारत।